बिहार की, क्योंकि बिहार की राजनीति में लगातार कई अपडेट्स जो है वो मिल रहे हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर इस वक्त बिहार की राजनीति जो है बहुत गर्मा गई है। आज कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन भी रखा गया जिसमें वो अपनी बात उन्होंने रखी है। लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें, क्योंकि अभी सरकार को बने कुछ ही महीने हुए लेकिन दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी में जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है वो जाए और पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पार्टी बहुत मजबूत है। और कुल मिलाकर उपेंद्र कुशवाहा का अब इंतजार करना है कि उपेंद्र कुशवाहा इस पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं। लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी ये बता दे कि त्याग पत्र मांगा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा से। सुनवाएंगे आपको इस मामले पर क्या कुछ कहना है नेताओं का। हमको तो कहना था तो पहले सर, क्यों ऐसी बातें, बड़ी बात उन्होंने कह दी है। आप देख लीजिए, एक बात हमको बार बार आपको कह रहे हैं, ऐसा कभी आपने देखा है किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई बात होती है आपस में चर्चा होती है, प्रतिदिन उसके बारे में कोई बोला जाता है? और आप और मान लीजिए कि लोग अपना इसके लिए अपनी बात ट्वीट करता है, वो सब चीज तो सिस्टम है नहीं। अब बार बार आप लोग पूछ रहे थे, दर्जनों बार हमसे भी पूछ लिए, हम तो अवॉइड ही करते रहे और हमने कहा कि भाई सबका कोई मतलब नहीं है। जो लोग को भी है पार्टी में मिलकर के बात करना चाहिए और किसी को अगर लगता है तो जो जैसा करे करे। सर उपेंद्र यहाँ पर भी आया भाई, तो भाई 7-8 महीना वो ट्राई करते रहे, अंत में हमने सब लोगों से बातचीत किया, ठीक है आप बहुत अच्छा कर रहे थे, अब ऑल ऑफ ए सडन देख रहे कि अभी एक महीना से क्या आने लगा। हमसे बात नहीं एक महीना से किए, उसके पहले ही किए। तो अगर मान लीजिए कोई बात हो तो कहना चाहिए, लेकिन ऐसे तो हर आदमी को अपना अधिकार। 2-4-5 दिनों में कई तरह की बात मेरे बारे में चल रही है और उसमें मुख्यमंत्री जी भी उस तरह की बात को चलाने में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बात नहीं होनी चाहिए, बात पार्टी के मंच पर की जानी चाहिए या मिलकर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि सबसे पहले किसने शुरुआत की, जब हम दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के बंधुओं से कहा कि आप उनसे कह दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा जी से कह दीजिए कि हमसे बात करें। अब मीडिया के माध्यम से बात करने का संदेश भेजना, यह तो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ही शुरू किया। तो तस्वीरें देखिए, आप देख रहे थे किस तरह से बिहार की सियासत इस समय गरमाई हुई है। लेकिन बिहार की सियासत हमेशा बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहती है, कौन सी पार्टी कब किसी का साथ छोड़ दे, कौन सा नेता किस पार्टी में शामिल हो जाए, क्योंकि अब ये चर्चाएं चल रही हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। इसीलिए हमने आज के दिन जिक्र किया कि अब क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा से इस्तीफा मांगा है और कौन इस्तीफा मांगा, आगे क्या बातें कही गई, ये भी अब आप देखिए। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान सामने आया, वो बयान भी उपेंद्र कुशवाहा को काफी परेशान करने लगा है। पार्टी आज मजबूत हुई है ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब से वो आए कमजोर हुई है, ये कहना है जेडीयू की तरफ से। पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा का कद आपने देखा, जेडीयू में सबसे जब से उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए उन्होंने सिर्फ पार्टी को कमजोर किया है, जेडीयू की तरफ से ये कहना है। पार्टी में रहते अभी महात्मा फुले संगठन चला रहे, इस संगठन का भला क्या मतलब है, ये भी कहना है जेडीयू का इस समय, क्योंकि महात्मा फुले संगठन चलाने का आखिर औचित्य क्या है। उपेंद्र कुशवाहा कुछ दिन पहले पार्टी की मजबूती की बात कर रहे थे, लेकिन इस समय ना जाने क्या हो गया कि इस समय दोनों नेताओं में नाराजगी चल रही है। रमेश जी हाँ बिल्कुल, और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया है सागर कि मेरे पास उनको देने के लिए सिर्फ स्नेह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हालांकि सबसे पहली जो बात सामने आ रही थी वो यही कह रहे थे कि मीडिया फ्रंट पे बात ना उठाए, मुझसे पर्सनली आकर बात करें। उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह रहे कि पार्टी कमजोर हो रही है, उन्होंने तो कई बार बात उठाई नीतीश कुमार के सामने लेकिन नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। और ये भी कह रहे कि नीतीश कुमार कोई मंच तो बनाए। संजीव राय हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सीधे। संजीव, ये तो खटास दरार बढ़ती जा रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा आगे? हाँ आइए पारस के पास आइए। पहले उपेंद्र कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया,
सब कुछ बातें कह डाली, उन्होंने ये कह डाला है कि नीतीश कुमार अपने बेटे की कसम खाए और हम भी अपने बेटे की कसम खाते हैं कि कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। देखिए पूरी तरह से अब ये साफ हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी रूप अख्तियार कर लिया है और जो यहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है कि वो अभी जेडीयू छोड़ना भी नहीं चाहते। उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने तक की बात कह डाली है और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम लोगों को उन्होंने अपने घेरे में लिया है और कई सारी बातें कही है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बात तो साफ हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर पार्टी छोड़ते हैं तो जेडीयू से पूरी चीजों को वो मंथन कर निकलेंगे, क्योंकि जिस तरह से बातें अब बनकर आ रही है कि नीतीश कुमार ने भी साफ साफ ये मत बना लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर रहना है तो ठीक से रहे और नहीं रहना है तो वो बाहर का रास्ता। लेकिन संजीव आज जो ये संवाददाता सम्मेलन उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से रखा गया और जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे कि मीडिया के जरिए ये कहलवाया गया कि उपेंद्र कुशवाहा बात करे सीएम से, तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की काफी लंबे समय से थी, या यूं कहा जाए कि जब वो दिल्ली में उनकी तबीयत ठीक रही थी उस वक्त से ही ये नाराजगी उनके मन में। देखिए बिल्कुल उनका उपेंद्र कुशवाहा का आज जो उन्होंने रात खोला कि अब सीएम को दो साल के बाद हम याद आ रहे हैं, कब तक सीएम, अब हमको सीएम साहब कह रहे हैं कि आइए आपसे हम बात करेंगे, बैठ के बात कीजिए, मीडिया में बात ना है। तो देखिए कई सारी ऐसी बातें उपेंद्र कुशवाहा ने कह डाला है और उन्होंने ये भी कहा है कि जब नीतीश कुमार बुरे वक्त में रहे तब उपेंद्र कुशवाहा लगातार साथ रहा और आज भी उपेंद्र कुशवाहा साथ है। तो देखिए बहुत सारी बातें जो है, क्योंकि देखिए ये पहले आप अगर आप बिहार की राजनीति को देखें तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं और नीतीश कुमार ने भी उपेंद्र कुशवाहा को बढ़ाने के लिए कई सारी चीजें की और उन्हें बढ़ाया भी। जब वो पार्टी का विलय हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा को वो अपनी पार्टी में लाए, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, उसके बाद देखिए कोशिश की कि अगर ये सही तरीके से आगे और चलती साथ चलता तो और आगे अच्छा करने की बात कहते, लेकिन कुमार ने बिल्कुल। देखिए संजीव, इसीलिए हमने शुरू में जिक्र किया कि बिहार की राजनीति हमेशा अपनी तरफ लोगों को खींचती है और कब यहाँ पर क्या उलटफेर हो जाए कोई भी नहीं जानता। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।